श्रद्धा का अर्थ है, श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास, श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, अपने संकल्पों को, अपने संकल्पों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया, अब पीछे नहीं जा सकते, अब पीछे नहीं जा सकते। सद्गुरु की वाणियों पर पूर्ण विश्वास। ईश्वर सदगुरु के सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास, यही श्रद्धा भाव है। श्रद्धा मतलब सत्य पर हमने विश्वास कर लिया, हमने अभी उस परम मार्ग को देखा नहीं है, हमें अभी परम ज्ञान भी नहीं हुआ है, हमें साधना में दिव्य अनुभूतियां भी नहीं हुई हैं, हमने परम सत्य के उस मार्ग का दर्शन अभी नहीं किया है, हम मार्ग पर चल रहे हैं। हम अभी मार्ग पर चल रहे हैं, हम पथिक हैं, जिसने जिस महापुरुष ने उस परम सत्य का अन्वेषण कर लिया है, जिस महान सत्ता ने उस परम सत्य का अन्वेषण किया, जिस महान सत्ता ने अपनी आत्मा के अंदर उस परम ज्ञान को धारण किया, जिस महान सत्ता ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर, जिस सत्ता ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर लिया, जिसने स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया, अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया, उसके बताए पथ पर, उसके बताए रास्ते पर, उसके बताए मार्ग पर, उसके बताए स्वर वेद के पथ पर, सेवा सत्संग और साधना के पथ पर हम चल पड़े तो चल पड़े, हम चल पड़े तो चल पड़े, हमें नहीं हुआ तो क्या बात है, हमें नहीं हुआ है ज्ञान तो हम हताशा निराशा में नहीं जा सकते, यही विश्वास है। जिस सत्य पर पूर्ण विश्वास को श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा जो शिष्य का आंतरिक धन है, जो शिष्य के अंतःकरण का धन है, उसका नाम है श्रद्धा। जो आंतरिक संपत्ति है शिष्य की, शिष्या की जो आंतरिक संपत्ति है, जो उसके कल्याण की संपत्ति है, उसी संपत्ति को, उसी सत्य पर विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। गीता कहती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो श्रद्धा वाला है, जो ईश्वर सदगुरु के ज्ञान पर, स्वरवेद पर, विहंगम योग की साधना पर, सत्य पर पूर्ण विश्वास कर लिया है, जो श्रद्धावान है वह ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, वह शांति को उपलब्ध हो जाता है। मैं कर रहा हूं यह साधना, क्या होगा, मैं इस मार्ग पर हूं, क्या होगा,
ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा, संशय नहीं कर सकते, भ्रम में नहीं रह सकते। गीता कहती है संशयात्मा विनश्यति। योग साधना में विक्षेप बतलाए हैं महर्षि ने, संशय भी एक विक्षेप है। संशय प्रथम है व्याधि, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि अनवस्थित्व। ये नौ प्रकार के दुश्मन हैं, ये नौ प्रकार के विक्षेप हैं जो एक साधक और साधिका के रास्ते को रोकने का प्रयत्न करते हैं। एक दो नहीं है, आत्मकल्याण के मार्ग में एक दो बाधाएं नहीं है। कितनी बाधाएं आती हैं, कितनी चंचलता और स्थिरता बढ़ जाती है। वेद में ऋषि कहते हैं, उपनिषद की वाणी कहती है, छुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। यह मार्ग कैसा है? यह मार्ग ऐसा है जैसे मानो छुरी पर चलने के समान हो, तलवार पर चलने के समान हो। इतना सहज है। क्योंकि मन में इतनी अस्थिरता है, क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। सत्संग खूब खूब होना चाहिए, स्वरवेद खूब खूब होना चाहिए। जैसे लोहे को पीट पीट कर इच्छित आकार का बना दिया जाता है, जैसी उपयोगिता हो वैसा बना दिया जाता है, वैसे ही मन को बारंबार स्वरवेद की चोट से, सत्संग के प्रवाह से, अवगुणी से सद्गुणी बनाया जा सकता है। भवसागर नर देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र सत संगति सब मूल है, सब ज्ञानन परम। संगति अपना असर दिखाती है, संगति अपना प्रभाव छोड़ती है। जो सत्य संगति है, जो सत्य की संगति है, जो अध्यात्म की संगति है, वह परम सत्य की संगति है, वह सत्य संगति है। तो हमारे मन पर, हमारे विचारों पर इसका सकारात्मक और रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। सत्संग खूब खूब हो, श्रेष्ठ विचारों का प्रसार निरंतर हो, क्योंकि यही दिशा प्रदर्शक यंत्र है। समुद्र में नौका है, अथाह जल राशि है, ये नौका यूं ही नहीं भटक रही है समुद्र में इधर से उधर। समुद्र में नौका यूं ही नहीं भटक गई है इधर से उधर, एक निश्चित मार्ग पर चलकर ही, एक
एक निश्चित मार्ग पर चलकर ही, एक निर्धारित मार्ग पर चलकर ही ये नौका अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, ये नौका अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। यही तो नहीं भटक रही है इधर से उधर। संसार को सागर कहा गया, ये भव सागर है। संसार सागर है, उस पार जाना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। जिसलिए ये जीवन मिला है उसको सिद्ध करना है। ये संसार, ये भव सागर डूब मरने के लिए नहीं है, डूब मरने के लिए नहीं है, ये तो तैर कर पार जाने के लिए है, ये तैर कर पार जाने के लिए। पहुंच पहुंच के भी, किनारे पहुंचते पहुंचते भी बहुत बार नदी में नौकाएं डूब जाती हैं। अब तो पहुंच गए हैं, अब क्या, अब मझधार को पार कर लिया है, अब तो भंवर से आगे निकल गए हैं। बहुत बार नदी के किनारे पहुंचते पहुंचते भी नौकाएं डूब जाती है। ये संसार, ये भव सागर डूब मरने के लिए नहीं है। तैर कर पार हो जाने के लिए, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, और कब नष्ट हो जाए कौन जानता, क्या पता, मिट्टी का घड़ा है, कब ठोकर लग जाए, टूट फूट जाए घड़ा। मिट्टी का घड़ा है, कब ठोकर लगे टूट फूट जाए। शरीर ही मिट्टी का बना है। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों का बना है। पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा ये अग्नि तत्व का काम है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना ये जल तत्वों की भूमिका है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंच तत्वों के सहयोग से यह भौतिक विनाशी शरीर बना है। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, क्यों मिला था ये शरीर, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसका अनुभव हो जाए। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए तो इतना सुंदर अच्छा शरीर नहीं मिला था। सर्वश्रेष्ठ ये मानव जीवन केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए तो नहीं मिला, केवल इंद्रियों को तृप्त करते रहने के लिए तो नहीं मिला, जीवनम परमो उत्कृष्टः प्रसादो जगति पतेः तस्य तत्वम रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिणः। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए शरीर नहीं मिला है,
केवल इंद्रियों को तृप्त करते रहने के लिए यह शरीर नहीं मिला है, ये जीवन है क्या, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, इसका अनुभव करने के लिए ये शरीर मिला है, ये जीवन मिला है। कौन हूँ मैं, इसका अनुभव प्राप्त करने के लिए आत्म विस्मृति दुखों का कारण है। स्वयं को न जानना ही सबसे बड़ा दुख है, स्वयं को न पहचान पाना। यही सबसे बड़ा दुख है। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं शरीर तक सीमित तो नहीं, मैं इंद्रियों तक सीमित तो नहीं। शरीर हमें मिला जरूर है, पर हम शरीर तक इंद्रियों तक सीमित होकर नहीं रह सकते। शरीर अगर हमारा रहता, अगर ये शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से घोर अंधेरे में लटक गए, उल्टे मल मूत्र से भरे शरीर में, माँ से कई गुना ज्यादा शिशु, गर्भस्थ शिशु गर्भ में दुख भोगता है, माँ से कई गुना ज्यादा, ना जाने कितनी बार बेहोश हो जाता है, ना जाने कितनी बार बेहोश हो जाता है। माँ के गर्भ से ये शरीर लेकर तो आ गए हैं, एक बार शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर जा नहीं सकते क्योंकि ये हमारा है नहीं, हमारा है। शरीर हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते, यही मैं हूं, इससे भिन्न मैं कुछ है ही नहीं, मैं यही हूं। शरीर हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते, हम अपनी कोई वस्तु कहीं छोड़ देते हैं क्या, सब बढ़िया से सहेज कर रखते हैं। हम अपनी कोई वस्तु कहीं ऐसे ही छोड़ते हैं, बढ़िया से सहेज कर संभाल के रखते हैं। शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते, ये हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है, हमें मिला जरूर है। कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कहां से आया। क्या कर रहा, क्या कर रहा, क्या कर रहा, और जाना कहां है। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा, और जाना है कहां, जाना कहां है, लक्ष्य क्या है। लक्ष्य विहीन जीवन नहीं हो सकता, एक साधक एक साधिका सदैव श्रेष्ठ चिंतन से, कल्याणकारी चिंतन से आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हैं। केवल शरीर संसार में इन बंधनों में उलझ कर नहीं रह सकते, संसार में उलझ नहीं सकते, बल्कि इससे परे पदार्थों का अनुभव हो, शरीर में रहते हुए इससे परे पदार्थों का अनुभव हो, इसलिए शरीर मिला है, इसीलिए ये जीवन मिला है, परम लक्ष्य की सिद्धि के लिए मिला है, परम शांति के अनुभव के लिए मिला है।